हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद आप लगते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के साथ कितना बेहतर समन्वय है, लेकिन कभी उसको जोड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि कुछ लोगों को जोड़ योग में नहीं भोग में विश्वास है, तो स्वाभाविक रूप से वे योग में विश्वास कैसे कर सकते हैं। जिन्होंने समाज को तोड़ा है, जाति मत पंथ मजहब के आधार पर बांटा है, वे कैसे योग में विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते योग में विश्वास। और योग हम सामान्य जीवन में कार्य करने के लिए जो बात कहते हैं कि सामान्य जीवन में हमारे बीच में कार्य करने के लिए, कार्य को उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि भाई अनुशासन होना चाहिए, और अनुशासन का आधार बनता है आत्मानुशासन से। जब मुझे मेरी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश जाना है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूं। कहा नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े थे, तो मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे कहूं। अगर मना करता हूं तो लोग कहेंगे देखिए पलायन का रास्ता अपना रहे हैं, उत्तर प्रदेश की अराजकता से, उत्तर प्रदेश के दंगों से, उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार से, उत्तर प्रदेश के उस मकड़ जाल से भागना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं भाई, हम साधु संतों का क्या है, अगर मैं केवल एक लंगोट में ही सड़कों पे निकलूंगा लोग कहेंगे देखिए इनका बाना है, कोई बात नहीं।